हेलो। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है सिद्धि साधन और साधक। अनेक साधक सिद्ध जैसे गुणोत्तर कार्य के साधारण नाम साधन पथ पर अग्रसर होते हैं, किंतु शिथिलता और चंचलता के कारण मन शक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर पाते। अनेक मुमुक्ष आरोग्य रहित शरीर तथा अशुद्ध एवं अस्थिर मन से ही आध्यात्मिक साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं, परंतु सफलता उन्हें भी प्राप्त नहीं होती। आध्यात्म विद्या का यही एक अद्भुत तत्व है कि इच्छित वस्तु या इष्ट परिस्थितियों प्राप्त करने के लिए मानसिक चित्र कल्पना के समान अमोद एवं सरल अनन्य साधन नहीं है। किसी विशिष्ट दिशा में उन्मुख होने के निमित्त उसके साधन निर्दोष होने की अत्यंत आवश्यकता रहती है। बिना दृढ़ता के साधन अनंत शक्तिमान होने पर भी अपनी कुछ भी शक्ति प्रकट नहीं कर सकता। सिद्धि के हेतु सदा सर्वदा अपनी इच्छित वस्तु का गहन चिंतन कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप से रहता है, वैसे ही अनंत भगत में यह संपूर्ण स्थूल जगत सूक्ष्म बीज रूप से रहा हुआ है। और जब अनंत जगत में उपस्थित किसी वस्तु के सूक्ष्म रूप संस्कारों का दृढ़ भावनाओं से पोषण किया जाता, तब यह वस्तु बाह्य जगत में स्थूल रूप धारण किए बिना कभी नहीं रह सकती। यह आध्यात्मिक शास्त्र का अबाधित सिद्धांत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शांति कुंज गुरुकुल है पावन युग ऋषि का।